ग्राम अतरौली में 35x40 वर्ग फीट निर्माणाधीन पक्का मकान अनुमानित कीमत 7 लाख रुपया व ट्रैक्टर की कीमत 6 लाख रुपए जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर के द्वारा कुर्क करने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अतरौली के गैंगस्टर की संपत्ति की जब्त। न्यूज 9 टाइम्स उत्तर प्रदेश हमीरपुर से जिला विशेष संवाददाता रमेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश हमीरपुर जनपद के जरिया थाना क्षेत्र में SDM खालिद अंजुम एवं CO आशीष कुमार ने अतरौली ग्राम के गैंगस्टर एक्ट के पेशेवर अपराधी की संपत्ति की कुर्क। अपराध कर अर्जित की गई संपत्ति को किया गया कुर्क। अपराधी सत्येंद्र पुत्र प्रजापत उर्फ प्रताप राजपूत की 13 लाख की संपत्ति प्रशासन ने कराई कुर्की जब्ती। एक ट्रैक्टर कीमत 6 लाख और एक मकान की कीमत 7 लाख रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। जरिया थाना क्षेत्र के अतरौली गांव का मामला है। न्यूज 9 टाइम्स हमीरपुर के द्वारा कुर्क करने का आदेश दिया गया है। उक्त संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्त की जाती है। आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट जनपद हमीरपुर। ग्राम अतरौली में सत्येंद्र पुत्र प्रजापत उर्फ प्रताप राजपूत है। ये मुकदमा संख्या 246/22 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो इसमें इसी के तहत इसका एक महिंद्रा ट्रैक्टर जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए और ये एक मकान इसने बनाया था अवैध रूप से जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकलित की गई है। तो दोनों को कुर्क किया गया है। वन और समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं तो शासन की स्पष्ट नीति है कि ऐसे गिरोहबंद और सामाजिक गतिविधियों में आपराधिक गतिविधियों वाले व्यक्तियों के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये ग्राम अतरौली में हम लोगों ने आज ये संपत्तियाँ इनकी कुर्क की हैं। इनकी चल संपत्ति को तत्काल प्रभाव से कुर्क किया गया है। ऐसा ये संदेश है कि कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हो वो सचेत हो जाए और भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो उनके विरुद्ध भी ऐसी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। धन्यवाद।